रेत के अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिगन्या घाट पर कार्रवाई की, जहां से नदी के बीच में बनाए गए रेत के अवैध पुल को नष्ट किया गया है। वहीं चार डंपरों को भी पकड़ा है। पूरी कार्रवाई डबरा एसडीएम के नेतृत्व में अंजाम दी गई है। आपको बता दें, डबरा अनुविभाग में रेत का अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन लगातार कहीं न कहीं कार्रवाई को अंजाम भी दे रहा है। बुधवार की शाम प्रशासन को सूचना की गिजोरा थाना क्षेत्र के बारकरे जिगनिया क्षेत्र में सिंध नदी पर बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। और तो और, रेत माफियाओं ने नदी के बीच में भी रेत का अवैध पुल का निर्माण कर दिया है। सूचना पर एसडीएम प्रखर सिंह, तहसीलदार शिवदयाल धाकड़, राजस्व अमला, पुलिस विभाग, माइनिंग अधिकारियों के साथ जिगनिया क्षेत्र में जा पहुंचा, जहां प्रशासन को नदी पर बना पुल मिला तो अवैध परिवहन करते चार डंपर भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया है। साथ ही नदी के बीच में बने अवैध पुल को एलएनटी की सहायता से तोड़ दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं डबरा एसडीएम प्रखर सिंह का कहना है, रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की है। जिगनिया घाट पर रेत के अवैध पुल को नष्ट किया गया है, साथ ही चार डंपर भी जब्त किए हैं। हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाई जाएगी, परिवहन पर कार्रवाई की जाएगी। डबरा से इमरान खान की रिपोर्ट।